बहुत स्वागत है। और आज डेट है 27 अगस्त 2020। आज हम इंट्राडे बेसिस में एक्सिस बैंक के स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं। आज की डेट में ये जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है वो 463.35 पे इस प्राइस पे ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। ये अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है, और इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। डेली चार्ट पे ये जो स्टॉक है, ये आपको रेड लाइन जो दिख रहा है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, और यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर एक स्विंग लो बनाते हुए ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है कुछ ट्रेडिंग सेशन से। उस तरीके से ये जो आपको एक रेड लाइन अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक रेड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि स्टॉक यहाँ पर हाई बनाने के बाद ये स्टॉक ने फिर इस एक पॉइंट पे हाई बनाया, और उसके बाद ये एक छोटा सा एक स्विंग हाई बनाते हुए ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम लास्ट कुछ 3 या 4 डेज का अगर कैंडल फॉर्मेशन देखें, तो यहाँ पर देखिए एक हैमर जैसा बना हुआ, डोजी जैसा, फिर यहाँ पर एक डोजी बना हुआ है, एक यहाँ पर स्मॉल कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पर अनडिसीजन का कैंडल बना हुआ है। तो ये तीनों कैंडल में अगर हम देखेंगे तो बायर सक्सेसफुली स्टॉक को ऊपरी प्राइस पर ले जाने में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कल का जो कैंडल बना था, कल बायर इतने बुलिश थे कि इन्होंने एक यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा एक यहाँ पर जो लेग्स है वो थोड़ा लंबा दिख रहा है, अदरवाइज अगर ऊपरी अगर हम देखेंगे क्लोजिंग, तो इसने आसपास ही यहाँ पर ज्यादा कुछ ये स्पेस छोड़ा नहीं है। और अभी ये जो रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है, तो ये जो रेड कलर का लाइन है, जब ये ट्रेड स्विंग कर रहा था, तो जैसे कि फर्स्ट टाइम ये स्विंग करते हुए जब यहाँ पर आया, तो यहाँ इसने वहां पर रेजिस्टेंस का काम हुआ और ये स्टॉक नीचे आया, फिर ने स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस उसको मिला और स्टॉक फिर नीचे से आया, यहाँ से फिर स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, स्टॉक को फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है बुलिश, तो उसमें ये जो प्राइस है 457 का, तो ये जो प्राइस है ये अभी ये लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और ये स्टॉक का फर्स्ट टारगेट रहेगा 474 और सेकंड टारगेट रहेगा 484। तो ये दो टारगेट आज इंट्राडे बेसिस पे ये स्टॉक कवर कर सकता है। डिपेंड है कि मार्केट कितना बुलिश रहता है इस स्टॉक को लेके। हो सकता है कि स्टॉक यहां तक भी आए, 471 तक ही आए, हो सकता है कि स्टॉक इसी प्राइस में ट्रेंड, डिपेंड ऑन ऑल दी थिंग्स, डिपेंड ऑन मार्केट। मार्केट में जो लोगों का साइकोलॉजी है वो किस तरीके से इस स्टॉक के ऊपर रहता है, बुलिश रहता है, ये सब डिपेंड ऑन करेगा। लेकिन आज जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस से इसका ये जो ब्रेकआउट इसने किया है एक बुलिश कैंडल के साथ में, तो आज ये स्टॉक तेजी के साथ ऊपर जाने की पूरी संभावना है। जैसे कि ये स्टॉक का जो प्राइस है, ये स्टॉक का प्राइस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 463 पे। अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो ये स्टॉक कुछ देर के लिए तो भी बाउंस बैक करेगा, ये छोटा सा हल्का सा यहाँ पर करेक्शन देगा। एक जैसे हमें अगर बहुत एक लंबी छलांग अगर लेनी हो, तो हमें और थोड़ा पीछे जाके, जैसे शेयर को अगर एक लंबी छलांग लेनी है तो वो पीछे आता है और उसके बाद वो एक लंबी छलांग लगाता है, तो ये स्टॉक भी जहाँ तक ये जो इसका रेजिस्टेंस का जो लाइन था, तो रेजिस्टेंस पे वो एक बार आ सकता है, और यही रेजिस्टेंस पर या उसके आसपास या उसके ऊपर से ही वो एक लंबी छलांग लगाकर ये जो दो टारगेट है वो आज के दिन कंप्लीट हो सकते हैं। अब चलते हैं हम 30 मिनट्स के चार्ट पे, और यहाँ पर देखेंगे कि 30 मिनट्स के चार्ट पे कहाँ कुछ हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हैमर बना, उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, एक हैंगिंग मैन जैसे दिख रहा है ये कैंडल, और उसके बाद सेम उसका अपोजिट कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टॉक अगर इस प्राइस पे आता है 458, 459, 460, 461, इस प्राइस पे अगर आता है, तो हमें इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए
और स्टॉप लॉस जो है वो आपका यहां लगना चाहिए 455 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये स्टॉक को बाउंस बैक ऊपर जाना है तो ये इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ पल के लिए आपको इस रेंज में 461 से लेके तो 458 तक, 461 से लेके 461 से लेके 458 तक वो स्टॉक करेक्शन दे सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये वही येलो लाइन है जो अभी सपोर्ट का काम करेगी, और स्टॉक को यहाँ से ऐसे पुल बैक करते हुए स्टॉक ऊपरी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, इसकी 80-90% प्रोबेबिलिटी बनती है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।